लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सिडको महामंडल ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण करने के लिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है। हालांकि प्रकल्पग्रस्त इसके विरोध में उतर गए हैं। प्रकल्पग्रस्त चाहते हैं कि मुंबई एयरपोर्ट को उनके मसीहा दीबा पाटिल का नाम दिया जाए, इसलिए वे सिडको के फैसले के विरोध में है। आज एक नवम्बईकर शैलेश घाग ने बेलापुर में सिडको भवन के गेट पर अकेले प्रदर्शन किया। शैलेश घाग ने कहा कि सिडको ने जिस तरह दीबा पाटिल को दरकिनार कर बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है, वह नवम्बई और प्रकल्पग्रस्तों के लिए किए गए उनके संघर्षों का अपमान है। यह कूटनीति नहीं चलेगी। नवम्बई एयरपोर्ट को दीबा पाटिल का ही नाम देना होगा। देखिए रिपोर्ट। नवी मुंबई का यही वह निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो तैयार होने से पहले ही अपने नामकरण के कारण विवादों में घिर गया है। दरअसल सिडको ने इसके लिए स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया है, जिसके चलते नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्त नाराज हो गए हैं। आज एक नवी मुंबईकर शैलेश घाग ने सिडको भवन गेट पर अकेले विरोध प्रदर्शन किया। शैलेश घाग का कहना है कि वर्षों से चल रही मांग के बावजूद सिडको ने जिस तरह प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा दीबा पाटिल का नाम दरकिनार कर मुंबई एयरपोर्ट को बाला साहब ठाकरे का नाम देने का प्रस्ताव तैयार किया है, वह एक कुटिल चाल है जो प्रकल्पग्रस्तों को मंजूर नहीं है। शैलेश घाग ने सिडको और कोकण अधिकारियों को निवेदन देने के बाद कहा कि मुंबई एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का ही नाम होना चाहिए। नवी मुंबई के इस पूर्ण निर्माण में सिडको का कंस्ट्रक्शन कंपनी करके हाथ है और कोई हाथ नहीं है, लेकिन इस कोरोना प्रबंधक में इन लोगों ने क्या किया कि कूटनीति के अनुसार बाला साहब ठाकरे जी का नाम दिया, नामकरण करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है, सरकार को भेजा है। निश्चित तौर पे स्वर्गीय हिंदू हृदय समाज शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे प्रति बहुत बेहद आदर है। उनके कार्यों का अनादर, उनके नाम का अनादर मैं नहीं करना चाहता, उनका मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। माननीय दीबा पाटिल ये छोटे नहीं है, इनको आप 95 गाँव तक या ये 3 तालुका उरण पनवेल या थाना तालुका सीमित मत रखिए। वो एक लोक नेता थे, वो 2 बार खासदार रह चुके, 5 बार आमदार रहे, विपक्ष के नेता रह चुके 2 बार, और उन्होंने देश के गरीब शेतकड़ी, देश के गरीब कामगार और पिछड़े लोगों के लिए, शोषित लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, प्रकल्पग्रस्तों के लिए नहीं तो हर किसान के लिए कायदे में जो कायदा मंडल है, विधान मंडल, वहाँ पर कायदे बनाए हैं। इतना ऊंचाई वाला नेता, इतना कार्यशैली रहने वाला नेता, इनका नाम अगर नवी मुंबई विमानतल को नहीं दिया जाए तो ये संघर्ष का अपमान होगा। इस हमारे देश में विविध आंदोलन, विविध प्रकल्पों के लिए चल रहे उस आंदोलनों को इनको ख़त्म करना है, इसलिए ये नामकरण का प्रस्ताव सिडको ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कार्यशैली के अनुसार किया है, जिसका मैं विरोध करता हूँ। मांग यही है कि नवी मुंबई विमानतल का नामकरण स्वर्गीय लोक नेते दीबा पाटिल साहब अंतर्राष्ट्रीय विमानतल ही होना चाहिए। बताना जरूरी है कि 4 सालों से चल रहे मुंबई एयरपोर्ट का निर्माण फिलहाल 2022 और 23 में पूरा होने की उम्मीद है। सवाल यह है कि आखिर जब काफी वक्त पड़ा है, फिर भी सिडको को एयरपोर्ट के नामकरण की इतनी जल्दी भला क्यों है? सूत्रों की माना तो सिडको एयरपोर्ट निर्माण में हो रही देरी और ठेकेदारों के बदलने के कारण रुके हुए कंस्ट्रक्शन की सच्चाई छुपाने और लोगों का ध्यान उससे भटकाने के लिए यह नामकरण का खेल खेल रही है। अगर ऐसा है तो फिर इसका सच सामने आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।